तो इस वीडियो में आपको मैं एक क्लिकवर्कर सिमिलर प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप टेक्स्ट एनोटेशन, इमेज या वीडियो एनोटेशन, डेटा कैटेगराइजेशन जैसी UHRS सिमिलर जॉब्स कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं और क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। UHRS क्लिकवर्कर पर जो भी आपने स्किल्स सीखी हैं, अब समय आ गया है उनको यूटिलाइज़ करने का। जी हाँ, UHRS स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है। अगर आपको UHRS स्किल्स के बारे में नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। इस वेबसाइट पर UHRS के सभी टास्क अवेलेबल हैं जिन पर आपने पहले काम किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और एनालिटिक्स का जो फंक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, इन सबको ट्रेन करने का है। और यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट एनोटेशन, वीडियो एनोटेशन, डेटा कैटेगराइजेशन की जॉब्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये कंपनी USA बेस्ड है और इसका इंडिया में भी ऑफिस है, तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जॉब मिल जाए। और ये जॉब जो होगी वो फुल टाइम होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्राउड वर्क नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्किल्स को आपको यूटिलाइज़ करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स वेबसाइट पर देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर एनोटेशन टूल्स अवेलेबल हैं। सिमेंटिक सेगमेंटेशन, 3D क्यूबॉइड एनोटेशन, पॉली लाइन, पॉलीगन, ये सारी चीज़ें। सर्विसेज में जो है वो बहुत सारे टास्क हैं जो ऑलरेडी आपने पहले किए होंगे, वीडियो एनोटेशन, टेक्स्ट एनोटेशन और इमेज एनोटेशन, वीडियो एनोटेशन, 2D बाउंडिंग बॉक्सेस के टास्क आपने रेमो टास्क में किए होंगे, 3D पॉइंट क्लाउड और लाइंस, पॉलीगन, इवेंट क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन या डेटा कैटेगराइजेशन के टास्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग और डेटा लेबलिंग, ये सारे टास्क भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर मोर और लेस सिमिलर वर्क है जो भी आपने UHRS पे आज तक किया है, वो सारे टास्क आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जॉब लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क के लिए अप्लाई करना है, एनोटेशन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर नाउ पर क्लिक किया है तो आप आपको नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, और आपको यहाँ पर चूज़ करना है ऑप्शन किस कैटेगरी में आपको जॉब अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे एनोटेशन एंड लेबलिंग, और एक सॉलिड रिज्यूम आपको बनाना है और अपलोड कर देना है, और कुछ दिन बाद आपको रिवर्ट आ जाएगा अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। तो रिज्यूम कैसे बनाना है और इसमें कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, इसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रिज्यूम आप कैसे बना सकते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए आपको नोवो रिज्यूम पर जाना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे इनबिल्ट। यहाँ पर आपको जैसे अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। और वो सारी स्किल्स आपको यहाँ मेंशन करनी है जो आपने UHRS में लर्न की थी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि आपने कौन सी स्किल्स UHRS पर काम करके लर्न की हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आप बहुत सारी वेबसाइट पर काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ पर आपको नो स्किल और नो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। आप जाइए, अप्लाई कीजिए और ऑनलाइन अर्निंग शुरू कीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।